सपोज आप एज अ फ्रेशर किसी जॉब या इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हो, इसके लिए आपने एक रिज्यूमे बनाया है और उसे कंपनी को भेज दिया है, एंड गेस व्हाट, आप रिजेक्टेड हो गए। इसका कारण हो सकता है कि आपका रिज्यूमे अपीलिंग नहीं था एंड उसमें वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं हैं जो मेंशन होना चाहिए। इवन मोस्टली लोग एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे ही नहीं बनाते, जिससे 75% रिज्यूमे रिक्रूटर्स के पास जाने से पहले ही रिजेक्ट हो जाती है। शायद आपके साथ ये ऑलरेडी हो गया है, लेकिन अब और नहीं। आज मैं आपको अब तक की मोस्ट इम्पैक्टफुल ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ जिसकी हेल्प से आपका रिज्यूमे एकदम इम्प्रेसिव बन जाएगा और आपका रिज्यूमे हर जगह शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। देखो, हार्श रियलिटी यह है, एचआर सिर्फ 6 से 7 सेकंड ही लगाता है आपका रिज्यूमे पढ़ने में, तो आपको वही लिखना है जो रिक्रूटर देखना चाहते हैं, ना कि रिज्यूमे पे अपना बायोग्राफी लिखना है। अब अपनी क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, स्किल सेट कैसे प्रेजेंटेबल वे में लिखना है, आज के इस हाईली कॉम्पिटेटिव जॉब मार्केट के अकॉर्डिंग वो कौन से की पॉइंट्स फॉलो करना है, कौन से मिस्टेक्स नहीं करने, एटीएस क्या है और एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे कैसे बिल्ड करें, ये सब चीजों के बारे में इन डेप्थ डिटेल में बात करेंगे। और लास्ट में आपके साथ कुछ यूजफुल टूल्स भी शेयर करूंगा जो आपके रिज्यूमे को बाकी कैंडिडेट से स्टैंड आउट करने में 100% हेल्प करेगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं। जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो तब रिजेक्शन के 2 मेजर रीजंस हो सकते हैं। पहला, आपके स्किल्स उनके रिक्वायरमेंट से मैच नहीं कर रही, और दूसरा, आपका रिज्यूमे अपीलिंग नहीं है। सो पहले तो आपको पोटेंशियल कंपनीज के लिए ही अप्लाई करना है, और वो भी एक दो नहीं, आपको न्यूमरस कंपनीज पे अप्लाई करना है। बहुत लोगों के पास सही स्किल या रिज्यूमे होने के बावजूद भी उन्हें 30 से 50 कंपनीज पे अप्लाई करने के बाद ही जॉब मिलता है, इसलिए जॉब नीड को भी समझना मैंडेटरी है। बाकी आप जल्दी से जानते हैं एक अपीलिंग रिज्यूमे कैसे बनाए। ऑलराइट, सबसे पहला स्टेप है चूज अ रिज्यूमे फॉर्मेट केयरफुली। देखो, आजकल लोग अपने कंडीशन के हिसाब से ये 3 तरह से रिज्यूमे फॉर्मेट यूज कर रहे हैं। नंबर 1 क्रोनोलॉजिकल, नंबर 2 फंक्शनल, नंबर 3 कॉम्बिनेशनल। तीनों में क्या डिफरेंस है यहाँ लिख दिया है, वीडियो को पॉज करके पढ़ लो। शॉर्ट में बता दूं, क्रोनोलॉजिकल में रिसेंट पोजीशन सबसे पहले लिखी जाती है, फंक्शनल में स्किल्स एंड एक्सपीरियंस पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है, और कॉम्बिनेशनल फॉर्मेट दोनों का मिक्स होता है। बट आपको एक फैक्ट बता दूं, इन 99% ऑफ द केसेस रिक्रूटर सबसे ज्यादा क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट को प्रेफर करते हैं, और ये फॉर्मेट मोस्ट यूज्ड फॉर्मेट है। बट याद रखे, आपको फॉर्मेट अपने हिसाब से ही चूज करना है, इसलिए हम सबसे पहले ये नोट कर लेते हैं कि हमें कौन कौन से पॉइंट्स कवर करना है। बाद में हम इनका कुछ फैक्टर्स के हिसाब से ऊपर नीचे पोजीशनिंग करेंगे एंड ये रिज्यूमे हम गूगल डॉक्स में प्रिपेयर करेंगे। तो कोई भी फॉर्मेट हो, रिज्यूमे में आपको आइडियली नेम, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, स्किल्स, वर्क एक्सपीरियंस या एकेडमिक प्रोजेक्ट्स, अचीवमेंट, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, समरी एक्सेट्रा पॉइंट्स कवर करना है। जो लोग फ्रेशर है, जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उन्हें वर्क एक्सपीरियंस पॉइंट ऐड करने की जरूरत नहीं। घबराओ नहीं, क्योंकि हर किसी को कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना पड़ता है, और इस रिज्यूमे को हम ऐसे डिजाइन करेंगे कि वो बोथ फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स यूज कर सकेंगे। नाउ पॉइंट्स तो पता चल गए, अब हमें इन्हें किस सीक्वेंस में लिखना है। तो सबसे पहले ऊपर आपको आपका नाम लिखना है, जो कंपैरेटिवली बड़े फॉन्ट साइज में लिखना है, एंड उसके नीचे आपको आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स जैसे फोन नंबर या ईमेल मेंशन करना है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि रिक्रूटर आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बट यहाँ एक चीज का ध्यान रखना है कि आपका ईमेल प्रोफेशनल होना चाहिए। lovelyxyz@gmail.com जैसे ईमेल्स बिल्कुल भी ऐड ना करें, बहुत अनप्रोफेशनल दिखता है। यहाँ आप अपने नेम एंड सरनेम को कॉम्बाइन करके एक सिंपल ईमेल बना सकते हो। ओके, अब उसके नीचे ऐड करना है लिंक्डइन आईडी या गिटहब प्रोफाइल। दोस्तों, अगर आपके पास लिंक्डइन आईडी नहीं है तो जल्दी से एक आईडी क्रिएट करो, क्योंकि जब भी आप प्रोफेशनल फील्ड में आते हो लिंक्डइन आपकी बहुत काम आती है। ऑलराइट, अब हमारे क्वालिफिकेशंस को स्टेप बाय स्टेप ऐड करेंगे। अब बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि फर्स्ट स्टेप में क्या मेंशन करें, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या वर्क एक्सपीरियंस। तो हियर कम्स टिप नंबर 1। देखो, आपने अगर किसी पॉपुलर कॉलेज जैसे कि IIT SRCC जैसे कॉलेजेस से डिग्री परस्यू किया है, या फिर पॉपुलर कंपनी जैसे Amazon, Microsoft के साथ इंटर्नशिप किया है, तो आप उसे पहले मेंशन करो, ताकि आपका रिज्यूमे झट से रिक्रूटर का अटेंशन रोक ले। बट अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है या आपका एकेडमी भी पॉपुलर नहीं है, तो आप अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या स्किल्स को मेंशन करो। देखो, किसी जॉब के लिए जिन स्किल्स की जरूरत होती है उन्हें आप पहले ही हाईलाइट करोगे तो आप रिक्रूटर का अटेंशन ग्रैब कर सकते हो। तो हम मान के चलते आप एक फ्रेशर हो और आपने कोई इंटर्नशिप नहीं किया है, इस केस में आपको सबसे पहले अपना स्किल लिखना है। सपोज अगर आपको पाइथन, जावा, नोड जेएस आता है, या अगर आपको कोई फॉरेन लैंग्वेज आती है, आप वो मेंशन कर सकते हो। मतलब जो भी रेलेवेंट स्किल्स है उसे पहले ही मेंशन कर देना है, और कोशिश करो कि जॉब डिस्क्रिप्शन में जो कीवर्ड्स यूज किए गए हैं उसे इनपुट करने की। यहाँ आप एक और बुलेट पॉइंट ऐड करके सॉफ्टवेयर स्किल्स भी मेंशन कर सकते हो। अगर आपको कोई रेलेवेंट सॉफ्टवेयर की नॉलेज है जैसे कि प्रीमियर प्रो, ऑडेसिटी, CMS etc., तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट, अपने इंटर्नशिप नहीं किया है तो आप एकेडमिक प्रोजेक्ट्स और प्रोजेक्ट्स पॉइंट बना के अपने प्रोजेक्ट्स को हाईलाइट कर सकते हो। बट आपको प्रोजेक्ट डिटेल्स को बुलेट
पॉइंट्स में बहुत ब्रीफली लिखना है। अब चाहे आपने इंटर्नशिप पे काम किया है या एकेडमिक प्रोजेक्ट्स पे, आपको उन्हें नीट एंड क्लीन मैनर में प्रेजेंट करना है। इसके लिए सबसे पहले आप अपने प्रोजेक्ट का एक टाइटल लिखो और हाइफेन देके एक लाइन में उसका इंट्रो दे दो। थोड़ी ही साइड में आप टाइम को मेंशन कर दो, बेसिकली मंथ एंड ईयर मेंशन करने से ही हो जाएगा। उसके नीचे आप एक से दो लाइंस में प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करो और उस प्रोजेक्ट में आपका क्या रोल था उसे ब्रीफली मेंशन करो। आफ्टर दैट आप एक और लाइन में प्रोजेक्ट में यूज टेक्नोलॉजीज या फ्रेमवर्क्स को मेंशन कर सकते हो। अब अगर आप फ्रेशर हो और आपने ज्यादा कुछ प्रोजेक्ट्स नहीं किए तो आप इस सेक्शन को स्प्लिट कर दो। पहला पॉइंट रखो प्रोजेक्ट्स का, जहां आपको अपना प्रोजेक्ट टाइटल और उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिखना है। उसके बाद दूसरा पॉइंट बना सकते हो प्रोजेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, जहां आप अपना पोजीशन और उस प्रोजेक्ट में यूज किए गए टेक्नोलॉजीज या फ्रेमवर्क्स को मेंशन कर सकते हो। ऑलराइट, अब आपको अचीवमेंट्स मेंशन करना है। देखो, आपने इंटर्नशिप किया है, प्रोजेक्ट बिल्ड किया है, वो तो सही है, पर उसका अचीवमेंट क्या है, क्या वो सक्सेसफुल है भी या नहीं, इसको प्रूव करने के लिए आपको इस पॉइंट को लिखना है। या फिर अगर आपने कहीं जॉब किया है तो आपको बताना है कि एज एन एम्प्लॉय आपका क्या अचीवमेंट रहा है। अगर आपने टीम का सेल या रीच इंक्रीज करवाया या अगर आपको कोई अवार्ड मिला है तो आप उसे मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप पे आप एडुकेशनल क्वालिफिकेशन ऐड कर सकते हो। देखो, यहां हम डिसेंडिंग ऑर्डर फॉलो करेंगे, यानी कि सबसे पहले हम रीसेंट डिग्री मेंशन करेंगे, उसके बाद उससे पहले वाली और फिर उससे पहले वाली, और साइड में हमें टाइम मेंशन करना है। अब बहुत स्टूडेंट्स पूछते हैं क्या 10th 12th या कॉम्पिटेटिव एग्जाम का स्कोर भी मेंशन करना है या नहीं। तो अगर आपका स्कोर 10th 12th में बहुत अच्छा रहा है या कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपका रैंक बहुत अच्छा रहा है तो आप मेंशन कर सकते हो। बट अगर आपको लगता है आपके मार्क्स थोड़े कम रह गए तो ऐड मत करो, या फिर कॉलेज पास करे हुए भी आपको बहुत दिन हो गए तो आप इसे स्किप कर सकते हो, क्योंकि रिक्रूटर को अगर जानना होगा वो वैसे भी इंटरव्यू के वक्त आपको पूछ ही लेंगे। उसके बाद आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज या एडिशनल इन्फॉर्मेशन पॉइंट बना सकते हो, जहां आप अपने हॉबी, इंटरेस्ट एक्सेट्रा चीजें लिख सकते हो। देखो, इस पॉइंट को भी आप जितना पॉसिबल और रेलेवेंट रखो। कहने का मतलब है, आप यहां जो भी लिखोगे उससे आपको यही दर्शाना है कि ये भी आपके रोल के लिए हेल्पफुल हो सकता है। जैसे कि आप लिख सकते हो कि आप एक टीम प्लेयर हो, प्रॉब्लम सॉल्वर हो, फर्स्ट लर्नर हो, या ऐसी कोई भी सॉफ्ट स्किल को आप इस पॉइंट में इनहेंस कर सकते हो। नाउ लास्ट स्टेप में आप समरी ऐड कर सकते हो। देखो, ये स्टेप ऑप्शनल है, बट अगर आप फ्रेशर हो, आपके पास रिज्यूमे में ज्यादा कुछ लिखने जैसा कुछ नहीं है तो आप इस पॉइंट को लिख सकते हो। यहां आपको ब्रीफली अपने एबिलिटीज को मेंशन कर देना है। इस स्टेप को लिखने के लिए अगेन आप जॉब डिस्क्रिप्शन के कीवर्ड्स को यूज कर सकते हो। अब जानते हैं ATS ऐसा क्या है जो रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने में इतना बड़ा रोल निभाता है। तो ATS यानी कि एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो आपके रिज्यूमे को रिक्रूटर्स के पास जाने से पहले ही स्कैन करती है। ATS आपके रिज्यूमे को स्कैन करता है और कीवर्ड्स ढूंढता है। तो अगर आपके रिज्यूमे में कीवर्ड मिलता है तो रिज्यूमे रिक्रूटर्स के पास जाती है, और नहीं मिलता है तो वही रिजेक्ट हो जाती है। इससे बचने के लिए आपको जॉब डिस्क्रिप्शन में मेंशन कीवर्ड्स को आपके रिज्यूमे में मेंशन करना है। बट इसका मतलब ये नहीं कि सारे कीवर्ड्स ऐड कर दो, ओनली जो रेलेवेंट होंगे उन्हें ही मेंशन करो। ऑलराइट, अब जानते हैं डूज एंड डोंट्स के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कौन से चीजें मस्ट करना है। पहला, आपको सिर्फ हाईलाइट करना है जिसे करना चाहिए। ज्यादा हाईलाइट कर दोगे तो अल्टीमेटली आप कुछ भी हाईलाइट नहीं कर रहे होगे। अब हाईलाइट करना क्या है, तो आपको सिर्फ कीवर्ड्स को ही हाईलाइट करना है, जैसे कि हार्ड या सॉफ्ट स्किल्स, कंपनी का नाम, प्रोजेक्ट नेम एक्सेट्रा। दूसरा, अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो ये जरूर ब्रीफली मेंशन करो कि आपने कैसे उनका बेनिफिट करवाया है, और ये हिंट दो कि उसी तरह कैसे आप इस नए कंपनी का भी बेनिफिट करवा सकते हो। ऑलराइट, अब बात करते हैं कुछ मिस्टेक्स के बारे में जिन्हें बिल्कुल भी नहीं करना है। पहला, आपको रिज्यूमे बहुत बड़ा नहीं करना है। आइडियली रिज्यूमे एक ही पेज के अंदर बनाना है। दूसरा, आपका रिज्यूमे वेडिंग इन्विटेशन एंड कार्ड नहीं लगना चाहिए। आप सिंपल फॉन्ट्स यूज करो एंड साइज एवरेज रखो। देखो, रिज्यूमे का फॉन्ट बहुत फैंसी नहीं होना चाहिए, इससे प्रेजेंटेशन खराब हो जाता है। इसके लिए आप टाइम्स न्यू रोमन, एरियल जैसे फॉन्ट्स यूज कर सकते हो, और फॉन्ट साइज आप 12 से 13 रख सकते हो। हालांकि हेडिंग्स को आपको 1-2 साइज बड़ा लिखना है, और रिज्यूमे में ज्यादा से ज्यादा 2 ही फॉन्ट कलर्स ऐड करो। आप ब्लू एंड ब्लैक कलर यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, आपको पंक्चुएशन या स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है, और कभी भी रिज्यूमे को डॉक्स या किसी और फॉर्म में शेयर नहीं करना है। अगर उसे प्रिंट करके उसे फिजिकली कैरी कर रहे हो तो अलग बात है, बट ऑनलाइन शेयर कर रहे हो तो उसे PDF फॉर्म में ही शेयर करो। फाइनली, आपको कुछ यूजफुल टूल्स के बारे में बता दो। तो रिज्यूमे बिल्ड करने के लिए आप नोवो रिज्यूमे, CV मेकर, जॉब स्कैनर, क्विक रिज्यूमे टूल्स को यूज कर सकते हो। और अगर आप ATS फ्रेंडली रिज्यूमे बनाना चाहते हो तो आप फ्री वर्ड क्लाउड जनरेटर यूज कर सकते हो। आपको ओनली जॉब डिस्क्रिप्शन कॉपी करके वेबसाइट पे पेस्ट करना है, और ये टूल आपको सारे हाइलाइटिंग कीवर्ड फिल्टर करके दे देगा। अब इनमें से जो आपके स्किल और एक्सपीरियंस से रेलेवेंट है आप उसे अपने रिज्यूमे में यूज कर सकते हो। इससे जब ATS आपका रिज्यूमे स्कैन करेगा तब रेलिवेंसी की वजह से आपका रिज्यूमे रिक्रूटर तक पहुंच जाएगा। तो दैट्स इट फॉर टुडे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और कमेंट पे बताना कौन सा स्किल फ्री में सीखना चाहते हो, ताकि हम आपके लिए फ्री रिसोर्सेज लाते रहे। तो मिलेंगे बहुत जल्दी। Till then, take care and thanks for watching.